तुम ठीक वक्त पर जागे हो। चाचा जी, ये आग धूप से लगी है? हाँ, सूरज की किरणों से। ओह फैंटास्टिक! इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सूरज की किरणों में कितनी बड़ी ताकत है। इस साइज की बैटरी में 8 घंटे में सूरज की इतनी ताकत जमा की जा सकती है कि इस लेबोरेटरी की सारी बत्तियां 1 साल तक चलती हैं। माय गॉड! इन दिनों तुम आशा से इतने घुल मिल गए हो, मुझे ऐसा लगता है मेरे एक बेटा भी है। एक दिन मेरी ये सारी दौलत मेरे दामाद को जाने वाली है और आशा की बातों से पता चला कि तुम ही पढ़ा हो। अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं। हाँ कहो। आपकी फैक्ट्री का आप कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? आपके अपने ही शहर में पिछले 10 साल से एक आदमी एक ऐसी खोज में लगा है जिसे तमाम चीजें 18वीं सदी के खिलौने लगेंगे। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? कैलाश मेरा दोस्त है। नमस्ते आशा देवी जी। अरे जीवन साहब, डैडी तो आपसे मिलने आ रहे थे। हाँ तो फिर आइए ना, अगर कोल्ड ड्रिंक आते ही हो। नहीं नहीं, अगर डैडी आए हैं तो उनसे कह दीजिएगा कि 5 बजे का अपॉइंटमेंट न भूले। नहीं भूलेंगे। अरे जीवन, तू इन्हें जानता है? मैं इनके बाप को भी जानता हूँ। चलो चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चाचा जी, सारी दुनिया में आपके नाम के डंके बजे हैं और आप अभी तक ये नक्शे वगैरह फैलाकर बैठे हुए। बेटे, बुढ़ापे क्या भरोसा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नया विज्ञान मेरे साथ ही चला जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसलिए मैंने सारा फॉर्मूला इन पर लिख दिया है ताकि कोई भी साइंटिस्ट इन्हें पढ़कर सूरज की किरणों से बिजली पैदा कर सके। बेटे, इन्हें बहुत संभाल कर रखना है, कल दुनिया की अच्छी बुरी निगाहें इसी फॉर्मूले पर पड़ने वाली हैं। हमें सूरज से बिजली बनाने का फॉर्मूला चाहिए किसी भी कीमत पर। इस वक्त तुम्हारे मुल्क में इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के मैच हो रहे हैं और हम लोग उसमें हिस्सा लेने का बहाना करके आए हैं। ये अजनबी निगाहें, ये बदले हुए तेवर, क्या बात है हुँ? आशा, जिंदगी के सफर में कहीं साथ छोड़ गया तो ये पैर तोड़ दिए जाएंगे, समझे आप? आशा जी हैं? जी हाँ, आप तशरीफ रखिए, मैं उन्हें खबर दे देता हूँ। कुछ कहिए ना। जी, मुझे बात करनी नहीं आती। अच्छा, आपसे कहना चाहता हूँ और कह नहीं पाता, उसे लिख देता हूँ। पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं और मुझको बर्बादी के आसार नजर आते हैं। जीवन, तुमने ठीक ही कहा था, अपनी फैक्ट्री बंद होती नजर आ रही है। सेठ जी, अब आपके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हालांकि वो मेरी बर्बादी का रास्ता होगा, कैलाश के साथ आशा की शादी। क्या? नहीं नहीं, आशा की शादी तुमसे ही होगी, ये मेरा फैसला भी है और आशा का भी। जरा सोच लीजिए, कैलाश और आशा की शादी हो गई तो कैलाश की जीत आपकी जीत होगी। कैलाश जिंदगी में अकेला है, सब कुछ आशा का होगा, या यूं समझिए सब कुछ आपका होगा। मुबारक। चल साला, कैसे मुबारक?
तुम बारात में क्यों नहीं आया? गलती हो गई, माफ कर दे। मुबारक। क्या वो सब नाटक था जो तुम मेरे साथ खेल रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या वो खातिर दिलाऊं जो मुझे लेकर ये लोग चले गए थे? अगर मुझे ठोकर मारी थी अपना भविष्य बनाने के लिए, वापस क्यों लौट आए? तुम्हारी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं आशा कि तुम अपने जीवन को अब तक भूली नहीं हो। ठीक है, जिसे इतना चाहो आशा, उसे इतनी आसानी से भुला देना आसान भी तो नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे अपनी सुहाग के साथ। सुहाग की सगन मत खाओ। सुहाग झूठा है, सगन भी झूठी हो जाएगी। सुहाग झूठा है। मैं तुमसे प्यार करता था, ये सच है, लेकिन जीवन भी तो तुमसे प्यार करता था। और सबसे बड़ा सच ये है कि तुम जीवन से प्यार करती थी। हेलो मिसेस गुप्ता, माफ करना मुझे आपके पति से झूठ बोलना पड़ा। दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ और जीवन के घर से बोल रही हूँ। जीवन ने जहर खा लिया है। क्या? आप घबराई नहीं, वो जिंदा है लेकिन अभी तक बेहोश पड़े हैं। उनके तकिए के नीचे से आपके नाम का एक खत मिला है। आप अभी आ सके तो ठीक है, वरना यह खत पुलिस तक पहुंच जाएगा। नहीं नहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है, क्या हुआ? बहुत बीमार है। कौन? मेरी सहेली। डॉक्टर का कहना है शायद रात ना कटे। अरे फिर तो तुम्हें फौरन जाना चाहिए। तुम्हारी भलाई के लिए मैंने अपनी मोहब्बत का गला अपने हाथों खोल दिया, लेकिन कल अपने घर पे जो तुमने मेरी कुर्बानी का बदला दिया है, उसके बाद मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। मैं ये दुनिया ही छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी चंद तस्वीरें जो मेरे जीने का सहारा थी, मैं वापस कर रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि वो नेगेटिव्स ऐसे हाथों में पहुंच चुके हैं जो अब कीमत मांगेंगे। मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ, मैं ही दाम दूंगी। वो 10 लाख लेकर भी नेगेटिव्स नहीं देंगे। फिर क्या चाहते हैं वो? आपके पति की फैक्ट्री में कोई नई ईजाद हुई है, वो उसका फार्मूला मांगते हैं। रात देखूंगी, अब आप जाइए, कहीं इतनी रात गए कोई आपको देख ना ले। वेल डन सुधी। लेकिन ये तो बताओ कि तुमने जीवन को किस मौत के घाट भेज दिया है? कुछ गुंडों ने उसे पकड़ लिया है और ये धमकी दी है कि जो चीज उन्होंने तुमसे मांगी है, अगर आज के आज उन्हें नहीं मिली, तो वो न सिर्फ कुछ तस्वीरों के नेगेटिव कैलाश को भेज देंगे, बल्कि जीवन का भी खात्मा कर देंगे। अब पहले उसे खोलो। खोल दो इसे। गजब का फॉर्मूला है, इसको कहां कहां बेचोगे? 20 मुल्कों के साथ सौदा हो चुका है, लेकिन हमारा इरादा दुनिया के हर मुल्क से सौदा करने का है। ये फॉर्मूला 100 कोई में भी नहीं बिकेगा, बिल्कुल बकवास है। अब इस खराना के बच्चे की खैर नहीं। क्या फैसला किया भाई? देखो भाई, तुम मेरे से ज्यादती कर रहे हो। जो चीज तुम्हें चाहिए वो मेरे पास नहीं है। बुड्ढे, हमारे साथ ही चला किया, लगता है तुम्हें अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं। मैं तुम्हें शाम तक का वक्त और देता हूं, 5 बजे तक फॉर्मूला मेरे हाथ में पहुंच जाना चाहिए, वरना एक आध बच्चे की लाश शायद आपके दरवाजे पे पटक दी जाए। आशा, मेरा तो दिल धड़क रहा था, जाने तुम आप बच्चे आए, फॉर्मूला लाई हो? हाँ, बच्चे कहाँ है? उधर है, लेकिन पहले उन बदमाशों को फॉर्मूला देना पड़ेगा।
उनसे कहो कि अगर फॉर्मूला चाहिए तो बच्चों को पहले यहाँ ले आए। जैसे मैं उतरूं तुम गाड़ी तेज पका के सीधा चाचा जी के पास ले चलना। जी बहुत अच्छा। अपने लालच के लिए तुमने हम सबको बर्बाद करके रख दिया। सर ये तो खाली है। फॉर्मूला चाहिए ये लो, ये लो। आशा जीवन को कोई इस तरह से धागा नहीं दे सकता है। जंगल में छुपे हैं तो जंगल को आग लगा दो। कुछ ज्यादा देर हो गई, मुझे पुलिस की मदद लेकर जाना चाहिए। You're right, sir. आशा तुम यही ठहरो। जीवन साहब वो इधर तो नहीं है। इधर नहीं उधर देखो। उधर नहीं जीवन, इधर। देखो कैलाश, खून खराबा अच्छा नहीं है। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? फॉर्मूला। और तुम नहीं जानते मुझे क्या चाहिए? क्या? ले अपने बाकी कुत्तों को भी, उन सब को भी मैं देख लूंगा। Get lost, I don't want anybody's help. Get away, please. Get away. सब कोई पीछे हट जाओ। मैं इन बदमाशों को जिंदा पकड़ना चाहता हूं। घेरा डाल दो। Your Jeevan, give it to him. Go back. Give it. खबरदार, अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं। देख जीवन, मुझे अफसोस रहेगा कि देश के साथ गद्दारी करने की सजा तो तुम्हें ये लोग दिलवा ही देंगे, मगर मुझ जैसे दोस्त और आशा जैसी देवी के साथ गद्दारी करने की सजा तुम्हें कौन देगा? जीवन! कमबख्त, ये क्या किया तूने? क्या किया? लालच ने मुझे तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं रखा कैलाश। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं? तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। पल पल